दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 40 स्मार्टफोन की डील्स। 18 तारीख कल हो गया तो फ्लिपकार्ट ने अपने सारे ऑलमोस्ट डील्स रिवील कर दिए। एक दो जो बाकी होंगे वो तो बाद में अगर अच्छे आएंगे तो जरूर अपडेट करूंगा, खराब वाले हैं तो देखने की जरूरत भी नहीं। वैसे कुछ 60 70 80 मेरे ख्याल से डील्स हैं जिसमें से मैंने चुन के 40 निकाले हैं। बाकी सब वो ओप्पो वीवो वाले हैं कुछ, फिर उसके बाद रियलमी का नार्जो, रियलमी का सी सीरीज ऐसे वाले ना, तो उनको मैंने लिया नहीं है, मतलब मुझे नहीं जमे तो नहीं लिया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 40 स्मार्टफोन की डील्स। एंड सबसे बड़ी बात होगी कि पहले मैं ऑफर बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे जो 23 तारीख से चालू होगा सबके लिए और 22 तारीख से चालू होगा प्लस मेंबर्स के लिए सेल बिग बिलियन डेज, इसमें अगर आपके पास ICICI और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1500 रुपये तक का, और डेबिट कार्ड है तो 1000 रुपये तक का ऑफ उठा सकते हो। और यही ऑफर्स नहीं है, प्रीपेड वाले हैं, डबल डिस्काउंट वाला, इन्हीं कार्ड पे दो दो बार डिस्काउंट वाले ऐसे भी ऑफर्स हैं, तो एक्सचेंज वाले भी हैं, तो सबके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। पसंद आ लगे मुझे शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। बात करते हैं सबसे पहले सेल शुरू करने की। डील्स जो मैंने बनाए नीचे चैप्टर्स देके रखे हुए हैं, ठीक है? तो आपको किसी स्मार्टफोन ब्रांड की डील्स खाली देखनी है तो आप उनके हिसाब से जा सकते हो, ये भी मैंने रखा है, चाहिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पिक कर सकते हो डायरेक्ट। बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जरा मैं यहाँ से देख के देऊंगा एंड साइड में माइक्रो साइट आता रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियलमी की। सबसे ज्यादा मेरा डील उसी के ही है, 8 के आसपास रियलमी एंड मोटो के, मेरे हिसाब से जो अच्छे वाले हैं। वैसे डील्स तो बहुत सारे हैं, बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, काफी मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। रियलमी GT 2 Pro 50,000 का स्मार्टफोन है, इसके ऊपर पूरा 16,500 रुपए का ऑफ है, प्रीपेड वीपेड सब मिलाकर 8GB 128GB वाला 33,500 मिलेगा। ये 8 Gen 1 के साथ आता है, ठीक है? तो काफी तगड़ा है, सबसे चीपेस्ट है, तगड़ा फोन है, देख सकते हो। रियलमी GT 2 38,000 का फोन था, सेल में 32,500 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे तो 27,000 तक आ जाएगा। स्नैपड्रैगन 888 प्लस 120Hz का एमुलेट, तगड़ी डील है, देख सकते हो। रियलमी GT Neo 3T अभी भी लॉन्च हुआ है, 30,000 में, कार्ड लगाओगे तो 7,000 का ऑफ हो जाएगा, 23,000 में मिल जाएगा, 23,000 के हिसाब से अच्छी डील है, देख सकते हो। उसकी तरफ स्नैपड्रैगन 870 120Hz का E4 एमुलेट डिस्प्ले। रियलमी 9 5G IPS LCD वाला है Dimensity 810 के साथ, ये 16,000 का फोन है, कार्ड लगाओगे 3,000 का ऑफ हो जाएगा, आपको 13,000 मिल जाएगा 6GB 128GB वाला। अगर आपको 13,000 के आसपास ज्यादा रैम और स्टोरेज वाला 5G चिपसेट वाला स्मार्टफोन चाहिए तो देख सकते हो इसकी तरफ। रियलमी 9 5G SE यानी स्पेशल एडिशन स्नैपड्रैगन 778G के ऊपर आता है 144Hz के IPS के साथ, 20,000 का है, 5,000 का ऑफ है कार्ड के ऊपर, तो ये आपको 15,000 में मिल जाएगा, तगड़ी डील है, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट 15,000 के अंदर, देख सकते हो इसको। रियलमी 9i 5G Dimensity 810 के ऊपर ये भी आता है, 15,000 का फोन है, 3,000 का कार्ड का ऑफर है, 12,000 में मिल जाएगा। 5G फोन चाहिए आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला तो आप इसकी तरफ देख सकते हो 12,000 में। रियलमी 9 Pro 17,000 का फोन है, इसके ऊपर 2,000 रुपये कार्ड का ऑफर है तो 15,000 में आ जाएगा, स्नैपड्रैगन 695 120Hz का IPS है, देख सकते हो इसकी तरफ। रियलमी 9 प्रो प्लस 25,000 का फोन है, सेल में अब 23,000 में आया है, कार्ड पे 5,000 का और ऑफ है तो 18,000 मिल जाएगा, यानी 7,000 का ऑफ। ये स्मार्टफोन 90Hz के एमुलेट के साथ आता है, OIS के साथ आता है, Dimensity 920 है, तगड़ी डील है, 18,000 के हिसाब से आंख बंद करके देख सकते हो अगर आपका बजट उतना हो। चलिए ये तो हो गया रियलमी के 9 डील्स, इसके बाद करते हैं बात सैमसंग की। सैमसंग की तरफ से 3 डील्स हैं, इसमें आता पहला सैमसंग F23 5G 6GB 128GB जो कि 16,000 का था, स्नैपड्रैगन 750G के ऊपर आता है, 120Hz का पैनल है, ये अब 12,500 में मिल रहा है, कार्ड लगाओगे 1,500 का और ऑफ हो जाएगा, 11,000 में मिल जाएगा, यानी 5,000 का ऑफ आ रहा है इसके ऊपर, अच्छी डील है। अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए 11,000 के आसपास, देख सकते हो सैमसंग S21 FE जो एक्सिनोस 2100 के ऊपर आता है, कैमरा तगड़ा है, 50,000 का स्मार्टफोन है, सेल में 18,000 का ऑफ आएगा इसके ऊपर, कार्ड का मिला के प्रीपेड वेड सब, ये स्मार्टफोन आपको 32,000 रुपये मिल जाएगा, तगड़ी डील है, देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट। चलिए सैमसंग S22 Plus 5G, ये मैं देख रहा हूँ, अल्ट्रा पे तो शायद ऑफर नहीं आया कुछ खास, आया है बट बजट से ऊपर जा रहा है, तो S22 Plus 5G जो है इसकी तरफ मैं देख रहा हूँ, 8 Gen 1 के ऊपर आता है, 82,000 का फोन था, सेल में 70,000 में आ रहा है, मतलब 12,000 कम हो गए थे वहाँ पे, उसके बाद 10,000 का प्रीपेड भी है, और उसके बाद अगर आप एक्सिस बैंक और ICICI कार्ड से करते हो तो 1,500 3,000 रुपये का ऑफ आएगा, तो 57,000 में आ रहा है, मतलब 25,000 का ऑफ आ रहा है इसके ऊपर, अल्टीमेट डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। ये 3 सैमसंग के। Xiaomi की तरफ चलते हैं, Xiaomi के 2 हैं, पोको और Xiaomi। Xiaomi की तरफ से सिर्फ 2 ही फोन है, Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज, Dimensity 920 के ऊपर आते हैं, ठीक है, एंड इसके साथ 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, एमोलेड का, सारी चीज़ें अच्छी हैं। 67W का फास्ट चार्जर Xiaomi 11i में आता है, 120W वाला हाइपर चार्ज में आता है,
25 और 27,000 की प्राइस है, सेल में 19 और 20,000 में मिल जाएंगे, यानी 11i के ऊपर आपको टोटल 6,000 का ऑफ रहेगा और हाइपर चार्ज के ऊपर आपको 7,000 रुपए का ऑफ मिलेगा। देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, ये दोनों शाओमी के डील्स है। इसके बाद पोको वाले हैं, पोको M5 ये 4GB 64GB का 12,500 में है, अभी लॉन्च हुआ, ज्यादा पुराना नहीं है, कार्ड पे 1,500 का ऑफ मिल रहा है, 11,000 मिल रहा है। G99 का चिपसेट है, डिसेंट से स्पेसिफिकेशन है, 11,000 के हिसाब से पोको का ठीक ठाक सा स्मार्टफोन चाहिए, देख सकते हो। पोको X4 Pro 5G 19,000 का फोन था, 16,500 में सेल में आ रहा है, कार्ड पे 2,500 का ऑफर है, 14,000 में मिल जाएगा आपको। स्नैपड्रैगन 695, इसके साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड का पैनल, 33 वाट का चार्जर, सब कुछ भरा पड़ा है, देखना चाहते हो देख सकते हो, फुल पैकेज स्मार्टफोन। चलिए पोको M4 Pro, अगर आपका बजट 10,000 के नीचे है और कंप्लीट स्मार्टफोन चाहिए, 90 हर्ट्ज का एमोलेड के साथ, G96 का चिपसेट और बहुत सारी चीजें, 33 वाट का चार्जर, बहुत कुछ, देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। है तो ये 15,000 का, इसके ऊपर सेल में 5,250 रुपए का ऑफ है कार्ड के साथ, तो ये मिल जाएगा आपको 9,750 में, अल्टीमेट डील है। 10,000 का बजट है, आंख बंद करके ले लीजिए। पोको F4 5G वाला, स्नैपड्रैगन 870 120 हर्ट्ज का एमोलेड का पैनल है, तो 28,000 का बेस वेरियंट, लेकिन इसके ऊपर 6,000 रुपए का ऑफ है कार्ड का, तो 22,000 में आ जाएगा, डील अच्छी है। अगर आपको फ्लैगशिप फोन 20,000 के थोड़े से ऊपर ही प्राइस के आसपास के लूँ चाहिए, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, 22,000 में तगड़ी डील है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दूसरे खंबे की रियलमी के बाद, यानी मोटो। मोटो के भी 8 डील्स मुझे सही लगे। पहला है G52 का, स्नैपड्रैगन 680 के ऊपर आता है, पीओलेड का पैनल है, 15,000 का फोन है, सेल में 14,000 में आएगा, कार्ड लगाओगे 1,400 का ऑफर है, तो 12,600 में मिल जाएगा, डील अच्छी है, देख सकते हो। मोटो G31 थोड़ा पुराना है, G85 वाला, इसमें भी एमोलेड का पैनल था, 13,500 में आया था, अभी फिलहाल के टाइम पे ये 10,500 का है, कार्ड लगाओगे 1,050 का ऑफ हो जाएगा, 9,450 में आ जाएगा, एमोलेड का पैनल 9,450 के हिसाब से सही है, अगर आपको क्लीन एंड्रॉइड चाहिए तो। मोटो G62 5G 18,000 का फोन है, कार्ड लगाओगे 3,500 का ऑफर है इसके ऊपर, 14,500 मिलेगा, स्नैपड्रैगन 695 एंड इसके साथ 120 हर्ट्ज का पैनल, मोटो का क्लीन वाला, अगर आपको चाहिए 13 5G बैंड के साथ, इसकी तरफ देख सकते हो, तगड़ी डील है 14,500 के हिसाब से। G42 OLED का पैनल है, स्नैपड्रैगन 680 के साथ, 14,000 का फोन है, सेल में 13 में आएगा, कार्ड लगाओगे 1,300 का ऑफ हो जाएगा, ये 12,000 के नीचे यानी 11,700 मिल जाएगा, देखना चाहते हो अगर आपका बजट 12,000 के नीचे का, तो इसकी तरफ भी देख सकते हो, क्लीन एंड्रॉइड चाहिए अगर आपको तो। चलिए नेक्स्ट है G82 22,000 का फोन है, सेल में 20,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1,500 का ऑफ हो जाएगा, तो 18,500 मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 695 है, OIS है इसके साथ, 120 हर्ट्ज़ का OLED का पैनल है, डिसेंट है, मतलब 18,000 के आसपास आपको क्लीन एंड्रॉइड वाला फोन चाहिए, वो भी अच्छे स्पेसिफिकेशन के, तो इसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट है मोटो G32 13,000 का फोन है, सेल में सिर्फ 11,000 में है, 11 में एक महीने पहले ही लॉन्च हुआ है एंड 1,100 का ऑफ है, 9,900 में आ जाएगा, ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, IPS LCD का पैनल है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, स्नैपड्रैगन के चिपसेट वाला अगर फोन आपको 10,000 के नीचे चाहिए तो। मोटो S30 नया नया फोन है, 27,000 पे लॉन्च हुआ था, अभी फिलहाल 25,000 में आया, कार्ड पे 2,250 रुपए का ऑफर है, यानी 22,750 में आ जाएगा, स्नैपड्रैगन 778G है, 120 हर्ट्ज़ का आपको OLED का पैनल आ रहा है, POLED का एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ साथ, वन ऑफ द थिनेस्ट स्मार्टफोन है, तो अगर आपको बहुत पतला लुक वाला स्मार्टफोन चाहिए तो देख सकते हो इसकी तरफ। लास्ट मोटो G71 मोटो की तरफ से 695 एमोलेड और 19,000 का है, सेल में 16,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1,500 का ऑफ हो जाएगा, 14,500 तक आ जाएगा, अंडर 15,000 एमोलेड प्लस 5G चिपसेट चाहिए, तो ये एक तगड़ा कंटेंडर है क्लीन एंड्रॉइड के साथ दोस्तों। चलिए इसके बाद चलते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। इन्फिनिक्स में एक वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, उसमें कुछ 10-12-15 फोन्स की डील है, उसमें जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, सिर्फ 4 हॉट 12 प्ले 4GB 64GB 90 हर्ट्ज का आपको इसमें HD+ का पैनल मिलता है, पंच होल के साथ है, वाटर ड्रॉप नहीं है, जो अच्छी बात है, और यूनिसॉक का T610 का चिपसेट है, 6,000 mAh की बैटरी, 18 वाट का चार्जर है, ये 8,200 का फोन है, 1,000 कार्ड पे ऑफ है, तो 7,200 का है, 7,200 के हिसाब से अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। नोट 12 प्रो 5G ये 16,000 का फोन है, सेल में 15 में आया हुआ है, कार्ड लगाओगे 2,500 का ऑफ हो जाएगा, 12,500 मिल जाएगा, डायमेंसिटी 810 8GB 128GB एमोलेड 108 MP, चारों चीज़ें आपको सिर्फ मिल रही हैं 12,500 रुपये, देख सकते हो इसकी तरफ। इसका छोटा भाई भी है जो कि 10,800 के आसपास आता है, नोट 12 5G वो भी 10,800 के आसपास आ जाता है, वो भी तगड़ी डील है, देखना चाहते हो उसकी तरफ भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ आपको इसमें 108 MP कैमरा नहीं मिलता, बाकी सारी चीज़ें सेम है, देख सकते हो उसकी तरफ भी। नोट 12 4G ये हीलियो G88 के ऊपर आता है, एमोलेड का डिस्प्ले है, 33 वाट का चार्जर है, 12,000 का फोन है, सेल में 11,500 में आया हुआ है एंड कार्ड लगाओगे 2,500 का ऑफ हो जाएगा, तो 9,000 में मिल रहा है, अल्टीमेट डील है अगर आपका बजट 9,000 के आसपास का, देख सकते हो इसकी तरफ।
चलिए ये हो गए चार स्मार्टफोन इन्फिनिक्स के। इसके बाद चलते हैं ओप्पो वीवो की तरफ। बहुत ज्यादा फोन तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन दो तीन है जो जैसे रेनो 8 है, डायमेंसिटी 1300 के ऊपर, 8GB 128GB, इसमें ड्यूअल सोनी का IMX का सेंसर दिया हुआ है, तगड़ा फोन है कैमरा के हिसाब से। 30,000 का है, कार्ड लगाओगे 27,000 में मिल जाएगा, यानी 3,000 का ऑफ। तो देखना चाहते हो कैमरा वाला स्मार्टफोन तो इसकी तरफ देख सकते हो। रेनो 8 प्रो जो कि 46,000 का, इसके ऊपर 7,000 का ऑफर है, 39,000 में आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक से लगेंगे, लेकिन कैमरा के लिए अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तगड़ा वाला और आपका बजट 40,000 के नीचे, तो इसकी तरफ भी देख सकते हो। वैसे बहुत और भी स्मार्टफोन है, लेकिन इसकी तरफ भी देख सकते हो। वीवो का T1 प्रो 5G 6GB 128GB 25,000 का था, सेल में अब 24,000 का आ रहा है, 1,000 कम हो गया है। कार्ड लगाओगे 6,000 का ऑफ हो जाएगा, 18,000 में आ जाएगा। स्नैपड्रैगन 778G, देन इसके साथ साथ आपको एमोलेड का पैनल एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें, 44W का फास्ट चार्जर है, सारी चीज़ें 18,000 के हिसाब से कड़क डील है। इसके अलावा वीवो T1 4G एंड 5G जो हैं वो भी आपको अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, उनको भी देखना चाहते हो इस सेल में तो देख सकते हो, ठीक है अपनी प्राइस के ऊपर वीवो T1 4G और 5G। इसके बाद बात करते हैं आईफोन की। आईफोन में दो तीन फोन मुझे अच्छे लगे, जिसमें पहला आईफोन 11, अभी फिलहाल प्राइस 50,000 रुपये, सेल में डायरेक्ट 20,000 कम हो जाएगा और ये 30,000 में मिलेगा आपको या उससे नीचे की प्राइस पे, तगड़ी बात है। मतलब 30,000 के नीचे आईफोन 11 बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बजट 30,000 के नीचे और आईफोन चाहिए अब देख सकते हो, सजेस्ट करूंगा। दूसरा आईफोन 13 जो कि 70,000 का है, 70,000, इसके ऊपर भी आपको 20,000 रुपये का ऑफ मिल रहा है और ये स्मार्टफोन भी आपको 50,000 रुपये 49,999 में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो। मैंने कहा था आईफोन 12 और इसमें देखना पड़े, तो मैं कहूँगा अगर दोनों आपके चॉइस में तो आईफोन 12 लीजिए, अदरवाइज अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है। देखना चाहते हो आईफोन 13 की तरफ देख सकते हो, काफ़ी तगड़ी डील है उस प्राइस के हिसाब से। लास्ट आईफोन 12 मिनी 60,000 का फोन है, कहा जा रहा है कि ये 40,000 के नीचे आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आपको 35,000 तक देखने के लिए मिल जाए। काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आए, लेकिन जिनको पसंद आएगा उनके लिए काफ़ी अच्छी डील है। देखना चाहते हो आईफोन 12 मिनी की तरफ देख सकते हो। दो लास्ट अदर्स के, एक है पिक्सल 6 है जो कि 44,000 का है, आपको मालूम है कि टेंसर के चिपसेट के ऊपर आता है, ओलेड का पैनल है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड और कैमरा के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इसको तरफ देख सकते हो। 44,000 पे 17,000 का डायरेक्ट ऑफ आएगा और ये स्मार्टफोन सिर्फ 27,000 रुपये मिलेगा, 27,000 के हिसाब से कड़क डील है। देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। लास्ट नथिंग फोन 1 37,000 का, 8GB 8,000 के ऑफ के साथ 29,000 में आएगा और स्नैपड्रैगन 778G ओलेड का पैनल, सारी चीज़ें काफ़ी तगड़ा है। लेकिन सजेस्ट मैं इसको तो करूंगा नहीं, लेकिन जिनको लेना है नथिंग फोन 1 तो इसकी तरफ वो लोग एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे 40 स्मार्टफोन की डील्स मेरी तरफ से। आपको कौन सा वाला पसंद आया जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक मुझे शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कितना पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। अमेजोन वाले वीडियो का वेट करना, अब इसके बाद तो लगातार वीडियो आते रहेंगे अलग अलग डील के ऊपर, अलग चीज़ों के ऊपर, तो सबका वेट करना। एंड पसंद आया लाइक मुझे शेयर कर देना, साइड में देखो वेक्ट इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों